यहाँ पे बैठी हूँ और आप देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी धूप आती है मेरे घर में। यहाँ से आप देख सकते एकदम ही अच्छी सी धूप आती है। और यस, मैं आप लोगों को आज एक प्रोटीन वाला, सिल्क प्रोटीन वाला फेस मास्क बताने वाली हूँ। ये है मॉन सबका फेस मास्क, तो ये है विथ प्रोटीन। जैसे कि आप खाने में प्रोटीन यूज़ करते ना, उसी तरीके से ये प्रोटीन जो है वो आपके फेस को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो ये आपके फेस को हाइड्रेटिंग रखता है डल एंड डैमेज स्किन को इम्प्रूव करता है। ये थ्री डी मास्क है फॉर स्किन केयर। ये आपको रात को सोते वक्त लगाना है या फिर दिन में जब कभी आपको टाइम मिले तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नेट कंटेंट है 35 ग्राम। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है एक्वा पोर्टुलाका ओलुरासिया एक्सट्रैक्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये जो है ये सब एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। ओके, इसे यूज़ करने का तरीका है कि आफ्टर यूजिंग मास्क अप्लाई द इसेंस ऑन टू द फेस, मसाज स्किन जेंटली विथ फिंगर टिप्स फॉर बेटर एब्सॉर्प्शन। तो इसे लगा के रखना है और आफ्टर 15 मिनट्स इसे अच्छा मसाज देना है। तो इसे 15 मिनट्स तक आपके फेस में आप रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आएगा। मैं बता दूं आपको कि ये यूज़ करने के रात का टाइम एक्चुअली बेस्ट है, लेकिन अगर आप काम में हैं, बिज़ी है, तो उस वक्त भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे 3 टाइम्स इन अ वीक जो है वो यूज़ करना है। और इसमें सीरम रहता है जो आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। और आफ्टर 15 मिनट्स इसे मसाज करके वार्म वाटर से वॉश करना है। तो चलो मैं इसे अप्लाई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसे किस तरीके से यूज़ करना है।
वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसा। तो ये देखिए, ये डोसा बैटर लाया है और इसमें मैंने सॉल्ट जो है वो ऐड कर दिया है। हेयर केयर रूटीन जो है वो फॉलो कर रही हूँ मैं। ये बायोटिक का माउंटेन एबनी का हेयर सीरम जो है वो रात को लगा के सोती हूँ। इससे जो है वो हेयर ग्रोथ बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आई एम यूजिंग इट ऑन माय स्काल्प। इसे आपको सेमी वेट हेयर्स पे यूज़ करना है। तो जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ भी बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे।
जस्ट क्लीन स्किन। दिस नाउ आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं। मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। देखिए ये बहुत सारा सीरम जो है वो फेस पे अभी है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो कुछ सीरम है वो मैं निकाल देती हूँ। और सीरम से फिर से मसाज कर देना है फेस पे। सो देखिए ये जो मैंने कट किया था ना, इसमें भी सीरम है। मैं क्या करूँगी, इसे फेंकूँगी नहीं, इसे फिर से एक दो बार मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं इसे इसके अंदर ही रख देती हूँ फिर से यूज़ करने के लिए। और जब तक ये पूरा का पूरा एब्सॉर्ब नहीं हो जाता स्किन में, तब तक इसे मसाज कर देना है अच्छे तरीके से। देखिए ये मैंने पूरा का पूरा जो है वो स्किन को लगा दिया, अनटिल इट गेट्स टोटली एब्सॉर्ब इनटू माय स्किन। और जो ये हाथों पे बचा है वो मैं अभी हाथों पे लगा दूँगी। इससे हाथ जो है वो भी हाइड्रेट रहेंगे। तो हाइड्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किन के लिए। स्किन अगर हाइड्रेटिंग रहेगी
तो अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा स्किन ग्लो करेगी. तो हाइड्रेशन इज़ वेरी मस्ट. सो ये है हाइड्रेटिंग मास्क रिव्यू. ये आपको purple.com पे मिल जाएगा. कूपन कोड यूज़ कीजिए मेरी क्रिसमस, तो आपको ये 15% ऑफ में मिल जाएगा. ये मॉन्ड्सअप कंपनी का है, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा. और यस, यही था रिव्यू अबाउट दिस मॉन्ड्सअप हाइड्रेटिंग 3D मास्क है ये, 3D मास्क. चलो तो मिलती हूँ आपको कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल.